हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 60 एंड टाइम रहेगा आपका 2.5 घंटे का। सो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 से 15 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, फर्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा। तो फर्स्ट का आपका ए हो जाएगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है राज्य सरकार के मंत्रियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य सरकार के मंत्रियों का चयन कौन करता है, जो मुख्यमंत्री चुना जाता है उन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। भारत में कितने स्तर पर काम होता, शासन कितने स्तर पर काम करता है, तो कितने पर करता है, सी आंसर आ जाएगा, 3 स्तर पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर किस स्थान से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो किस स्थान से करते हैं, लाल किले की प्राचीर से करते हैं, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, बाय हुम द मिनिस्टर सेलेक्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट, तो चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। एट हाउ मेनी लेवल डज द गवर्नमेंट वर्क इन इंडिया, 3 लेवल पे काम होता है। उसके बाद फ्रॉम विच प्लेस डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो कहाँ से आएगा, ये आपका जो है फ्रॉम द रैम्पर्ट ऑफ द रेड फोर्ट, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को कब डिफीट किया, तो इसमें आ जाएगा इन 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में कितने तरह के कर लगाए जाते थे, तो उनके समय में 3 तरह के कर जो है वो लगाए जाते थे। 14वीं सदी में अफ्रीका से कौन यात्री घूमने आया था, तो कौन थे जो घूमने आया था, वो जो है इब्न बतूता। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो 13वीं सदी के आरंभ में। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है, तो वायुमंडल की तीसरी परत जो है वो कौन सी हो जाएगी, वायुमंडल की तीसरी परत बतानी है तो मध्यमंडल हो जाएगी। ठीक है, मध्यमंडल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का एक उदाहरण है, तो कौन जो है इसमें प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण रहेगा, जल जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण रहेगा। वस्तु की अदला बदली का व्यापार जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता क्या कहलाता है, तो उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय, जिसमें मुद्रा का प्रयोग ना होकर वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज ड्यूरिंग द रैन ऑफ अलाउद्दीन खलजी, तो 3 टाइप के टैक्स लगाए जाते थे। हु ट्रैवल फ्रॉम अफ्रीका टू विजिट इंडिया इन द 14th century, इब्न बतूता आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए, वेन वॉज द दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश, कब दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हुई थी, एट द बिगिनिंग ऑफ द 13th century। वाट इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस, इसको हम कहेंगे एयर प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो वो लेयर जो है कौन सी हो जाएगी, दैट इज़ मेसोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, तो वाटर रहेगा नेचुरल एनवायरनमेंट का एग्जांपल। ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पादप और जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद है, वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वर्षा मापी का प्रयोग किया जाता है वर्षा की मात्रा को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हेन इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया, इट वॉज सेलिब्रेटेड, ये जो है कब किया जाता है, 25 जून को। प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो ये क्या आ जाएगा, रेन गॉज। ठीक है, बी जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद खंड ख में दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट,
तो देखिए इसमें आ जाएगा औद्योगिक क्रांति से क्या क्या प्रभाव हुए थे। तो औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहला आया होगा, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है वो शुरू हो गया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। उसके बाद है परिवहन, जो है परिवहन तेज़ गति से प्रारंभ हुआ था जब औद्योगिक क्रांति आई थी। उसके बाद सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार जो है वो सहज और तेज़ हुआ। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ट्रोपोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर अस। जी, जो ट्रोपोस्फीयर है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और में दिया गया है व्हाई इज़ मीजोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हिंदी मीडियम में देखेंगे सौर मंडल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अथवा में दिया गया है मध्य मंडल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो दोनों के जो है दो दो पॉइंट लिखने हैं। तो फर्स्ट देखेंगे कि सौर मंडल जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो भी होती हैं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, वो सब इसी परत में, इसी परत के अंतर्गत आते हैं। सेकंड देखेंगे मध्यमंडल, मध्यमंडल वायुमंडल की कौन सी परत है, तीसरी परत है। ठीक है, और यह समताप मंडल जो है परत उसके ठीक नीचे होता है, और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने, इस परत में आने पर क्या लाते हैं, जल जाते हैं। क्लियर, तो ये जो है दोनों की क्या हो जाएगी, इम्पोर्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, मिड डे मील के बारे में बताना है आपको। और फिफ्थ का ये देख लेते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसमें देखिए व्हाट इज़ मिड डे मील प्रोग्राम एंड व्हाट डू यू मीन बाय द बर्थ राइट। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या है। बच्चों ये सरकार द्वारा उठाया गया जो है क्या है, एक कदम है। ठीक है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर को भोजन स्कूल में दिया जाता है, उसको ही हम जो है मध्या क्या बोलते हैं, मिड डे मील बोलते हो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ का ए हमने किया था कि जन्म सिद्ध अधिकार क्या है। तो जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है, जन्म के आधार पर जब विशेष अधिकार का दावा किया जाता है तो इसे जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को अपने परिवार में जन्म लेते ही शासन करने का अधिकार मिल जाता, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा। तो ये क्या है, ये लोग उस समय में कुलीन जो व्यक्ति थे, जो राजा थे, वो उसको जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे कि अगर हम राजा हैं तो हमारा बेटा ही राजा बनेगा और यही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, उसमें दिया गया है लिंग भेद से आपका क्या तात्पर्य है। तो लिंग भेद क्या है, स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक और शरीर रचना के अंतर को लिंग भेद कहा जाता है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि जो पुरुष है वो स्त्रियों की तुलना में क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसको जेंडर इनइक्वलिटी कहते हैं कि जो मैन है वुमेन है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो उसको ही हम जेंडर इनइक्वलिटी बोलते हैं या लिंग भेद कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन आपका सेकंड, फिफ्थ का बी, लिंग भेद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज़, व्हाट डू मीन बाय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सिक्स में जो है दिया गया है, फर्स्ट सिक्स का ए है, मुगल शासकों और राजपूत शासकों के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए, अथवा मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की क्या परंपरा थी। तो मुगल शासक और राजपूत शासक के बीच में संबंध बताना है, और मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार बनने की क्या परंपरा चलाई हुई थी उसके बारे में करेंगे। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ द मुगल रूलर विद द राजपूत रूलर। मुगल रूलर और राजपूत रूलर का क्या रिलेशन था, और में जो दिया गया है व्हाट वर द ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन इन द मुगल एम्पायर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ के ए का। देखिए मुगल शासकों कई राजपूतों के साथ क्या संबंध थे, तो मुगलों के जो यहाँ पे देखेंगे आप, मुगलों के शक्तिशाली होने पर राजपूतों ने उनकी सत्ता जो है वो क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। सेकंड है राजपूतों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह कर उच्च पद प्राप्त किए, और कुछ राजपूतों ने मुगलों का विरोध भी किया था। तो ये तीनों में रिलेशन लिख देंगे। अथवा में दिया गया है कि मुगलों में उत्तराधिकार के नियम क्या थे, तो देखिए मुगल जो है वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने राज्य का उत्तराधिकारी होता है। उनका मानना क्या था कि जितने भी पुत्र हैं उनका समान अधिकार है, तो सब में समान बटना चाहिए। उत्तराधिकार में वे तैमूर राज्यों के सहदायाद प्रथा को अपनाते थे। तो सहदायाद में क्या था कि जितने भी समस्त अधिकार का विभाजन सभी पुत्रों में कर दिया जाता था, तो ये मुगलों में उत्तराधिकार का नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वलिटी डिड अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन फेस कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट इवन आफ्टर द सिविल राइट्स एक्ट वाज इनएक्टेड। सिविल राइट्स एक्ट जो है इनएक्टेड होने के बाद भी क्या उन्होंने फेस किया, विच प्रोविजन आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इक्वलिटी। ठीक है, तो कौन से प्रोविजन दिए गए हैं,
तो ये सेवन्थ का ए रहेगा। क्वेश्चन, नागरिक अधिकार नियम लागू होने के बाद भी अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को किस प्रकार असमानता का सामना करना पड़ा था? और अथवा में दिया गया है, समानता को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो सेवन्थ का फर्स्ट का आंसर रहेगा, अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेना पड़ता था जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते थे या उन क्षेत्रों में रहते थे जहां के जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर जो है वो निजी स्कूलों के जैसा ही होता था। ठीक है, ये उनमें अंतर था। और अथवा में हम करेंगे, तो संविधान में क्या बात कही गई है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सेकंड, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, स्त्री या पुरुष होने के कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है और अस्पृश्यता है जो अनटचेबिलिटी है उसका उसको रिमूव कर दिया जाए, उसका उन्मूलन कर दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। इंग्लिश मीडियम में है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन देयर फीचर्स। तो इसके इसमें आपको जो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना था, सबसे बाहर क्या है, वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है। उसके बाद मध्यमंडल, देन जो है समताप मंडल है, ठीक है, और उसके बाद सबसे नीचे कौन सी है, शोभ मंडल है। क्लियर, उसके सबसे नीचे कौन सी है, शोभ मंडल। तो आप इस तरह से देख सकते हो, शोभ मंडल, देन समताप मंडल, ठीक है, उसके बाद मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देना है। अगला क्वेश्चन है, हु वर मनसबदार्स, एक्सप्लेन। तो मनसबदार कौन थे आपको एक्सप्लेन करना है। एंड हाउ वर द मनसबदार डिफरेंट फ्रॉम द मुक्तीज, मनसबदार जो है वो मुक्तीज से कैसे अलग थी, मनसबदार कौन थे व्याख्या करना है और मनसबदार मुक्तियों से कैसे अलग थे। तो मनसबदार कौन थे, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिनसे कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत अथवा जिनको जो है पद मिलता था। तो मनसबदार ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिनसे कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, और यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके चलते पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व सब कुछ जो है निर्धारित किया जाता था। सैन्य उत्तरदायित्व के अनुसार ही मनसबदारों को घुड़सवार रखने होते थे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसी का भी देखेंगे, मनसबदार जो है मुक्तियों से कैसे रखते। तो मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीर नहीं रखते थे, अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे और ये स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो इस तरह मनसबदार मुक्तियों से अलग थे। उसके बाद देखिए, क्षमता आधारित प्रश्न दिए गए हैं, तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, स्थलमंडल। यह चट्टानों और खनिजों से बनी है एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी है और यह पठार, पहाड़, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल स्थल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर के स्थलों पर भी पाई जाती हैं। तो बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर आप हो तो यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो। तो बेटा थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में आपको मैनेज करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है। तो ये जो है आप आसानी से लिख सकते हो। तो तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, पृथ्वी की ठोस या ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, स्थलाकृतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और स्थल मंडल किससे बना होता है। तो देखिए यहीं पे आपके आंसर दिए हुए हैं, पृथ्वी की ठोस परपट या कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, स्थलमंडल कहा जाता है। दूसरे का आंसर हो जाएगा, यह पहाड़, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है, ठीक है। और तीसरे का आंसर हो जाएगा, यह चट्टान और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो ये आपका तीनों का आंसर हो जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, व्हाट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड अपर लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड, व्हाट वेयर आर लैंड फॉर्म फाउंड एंड व्हाट इज़ लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उससे नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो बेटा ये जो है काफ़ी बार रिपीट होता है, अलग अलग क्लासेस में भी आता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करके चाहिएगा। अफसाना मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती है, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। और जब मैंने बास्केटबॉल खेलने की योजना अम्मी को बताई तो अम्मी गुस्सा हो गई, कहने लगी लड़कियाँ थोड़ी ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, ठीक से स्कूल जाओ, ग्राउंड पर खेलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सहेलियों ने मनाया तो कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। तो पहला क्वेश्चन है अफसाना की मम्मी कहाँ काम करती थी, तो अफसाना की मम्मी जो है वो बिल्डिंग के घरों में काम करती थी, ठीक है।
तो यहीं से आपके आंसर मिल जाएंगे। कहाँ काम करती थी? अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती थी। अफसाना की अम्मी उसे खेलने के लिए कैसे मान गई? तो जो है सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने मनाया, तो अम्मी मान गई। यहाँ से दूसरे का आंसर लिख देंगे। अफसाना की अम्मी उसे खेलने क्यों नहीं देती थी? क्योंकि जो है उनका क्या मानना था कि लड़कियाँ थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं। तो ये तीसरे का आ जाएगा कि उनकी अम्मी का मानना था कि लड़कियाँ थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं। तो यहाँ से आप प्रॉपर आंसर देख सकते हो, बिल्डिंग के घरों में उनके सहेली और कोच सर के समझाने पर, क्योंकि उन्हें लड़कियों का खेलना पसंद नहीं था, वह रूढ़िवादी विचारों की थी। तो इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। भेदभाव तब होता है? तो बेटा ये भेदभाव के बारे में दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। उसके बाद भेदभाव कब होता है? तो यहीं से इसका आंसर होगा, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर विश्वास करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे जो है किसी व्यवहार का उदाहरण दीजिए जिसमें किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, जब किसी को भेदभाव कर नौकरी से करने से रोकते हैं तो किसी को विशेष अधिकार पर कप या ग्लास में चाय न पीने देना, तो इस तरह का क्या है? ये भेदभाव है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, कि अफसाना की मदर कहाँ काम करती थी एंड हाउ डिड अफसाना मदर एग्री टू लेट हर प्ले, ठीक है, एंड व्हाई डिड अफसाना मदर डिड नॉट वांट टू हर प्ले बिकॉज शी वाज अ गर्ल, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, हिंदी मीडियम में आप समझ ही चुके हो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 का दिया गया है और ये इसके दो क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड दिया गया है कि ठेकेदारों ने समान काम करने के बाद भी पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा मजदूरी दी। इसमें आपको जो है ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन, दो तो हम कर चुके हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन भेदभाव से संबंधित है और क्यों? तो भेदभाव किस में किया गया है? हॉकी मैच खेला लड़कों लड़कियों ने, विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को दाखिले का समान अवसर मिला, और ठेकेदार ने समान काम करने के बाद भी पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा मजदूरी दी, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, तो आप इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लड़के अपने आप को रोने से क्यों रोक लेते हैं? ठीक है, तो अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, ऐसा जो है इसमें कहा गया है, तो ये आप लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें रोने का मन कब करता है और बड़े लड़के रोने के बारे में क्या सोचते हैं? तो तीनों का आंसर देख लेते हैं। तो लड़के रोने को कमजोरी मानते हैं, सेकंड का हो जाएगा, जब हमें गुस्सा आता है या दर्द होता है तो रोने का मन करता है। दूसरों और क्या सोचते हैं लड़के कि अगर दूसरों के सामने रोएंगे तो वो हमारा मजाक बनाएंगे, तो ये 13th का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैप दिया गया है, तो इंडिया के मैप पर आपको आगरा, चित्तौड़, बीजापुर, ठीक है, ये दिखाना है। उसके अलावा बेटा ये 13th जो क्वेश्चन है आपका, ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो। व्हाई डू बॉयज स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम क्राइंग, व्हेन डू दे क्राई, एंड व्हाट डू ओल्डर बॉयज थिंक अबाउट क्राइंग। उसके अलावा मैप पे जो है और आपको क्या दिखाना है, गोलकुंडा, इलाहाबाद और मालवा, ये दिखाने हैं। तो यहाँ से मैप कर लेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ से आपको ये जो है दिया गया है इलाहाबाद, यहाँ पर क्या दिया गया है आगरा, यहाँ पर है चित्तौड़, और ये है इधर मालवा, ठीक है, इधर दिया गया है गोलकुंडा, और यहाँ पे क्या है बीजापुर। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट मैप। तो आई होप सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।